हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर जय, करियर एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी और करियर में क्या रिलेशन है? पर्सनालिटी ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलो, अच्छा दिखना ये पर्सनालिटी है। मैं साइकोलॉजिकल आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं। जैसे कि 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है, ये कार्ल यूंग जो स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया। उन्होंने अपने काफ़ी सारे लिटरेचर में, काफ़ी सारे बुक्स में ये बताया कि हर एक पर्सन अलग अलग पर्सनालिटी एडॉप्ट करता है। हर पर्सन में एक अलग पर्सनालिटी होना ही उसकी इंडिविजुअलिटी यानी कि अलग होना होता है। तो ये पर्सनालिटी का करियर से क्या रिलेशन है? अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं। अगर आपको 16 पर्सनालिटी के बारे में पता हो और आपकी उनमें से कौन सी पर्सनालिटी उसके बारे में पता हो, तो आप उस पर्सनालिटी के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में किया बताया जाए तो एक चीज़ ये होती है कि अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं, आप थिंकर हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव हैं, तो आप बिल्कुल साइंटिस्ट, डॉक्टर ऐसी करियर को चूज़ कर सकते हैं। और सामने अगर दूसरी चीज़ रखी जाए, जैसे कि आप एक्सट्रोवर्टेड हैं, आप फिलर हैं, आप एंटरप्राइजिंग हैं और आप जजिंग हैं, तो आप आराम से पब्लिक स्पीकर, एक्टर, रेडियो जॉकी, ऐसे अलग अलग करियर जो होते हैं, सोशल वर्कर, ये करियर चूज़ कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार बात है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी है। और ये जानने के लिए आपको हमारे पास आके एक बार अपना पर्सनालिटी टेस्ट देना पड़ेगा। एसेसमेंट से पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी है और कौन सा करियर आप चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।